गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 विच इज एचटीएमएल फंडामेंटल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एचटीएमएल जो है वेब साइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स या बोल सकते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल यूज की जाती है। ठीक है, अब वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है? ठीक है, वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ठीक है, तो वेबसाइट जो होती है वो उसमें पेजेस जो होते हैं, एक जैसे एक पेज क्रिएट होगा, दो पेज क्रिएट होंगे। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस की वजह से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उन पेजेस को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने वेब पेज क्रिएट किया ए बी सी, है ना, तो अलग अलग वेब पेज क्रिएट किए, अब इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो ये पूरी क्या बन गई, एक वेबसाइट। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड होती हैं, इनमें जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे कोई लिंक होता है, जब वो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम मूव हो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। और वेब पेज क्या होता है? वेब पेज किससे बना होता है? आपने वेब पेज में देखा होगा कुछ टेक्स्ट होते हैं, कोई पिक्चर होती है, ठीक है, कोई वीडियोज होती हैं। ठीक है, तो उनको कंबाइन करके बनता है आपका वेब पेज। तो वेब पेज क्या है? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट पिक्चर एंड वीडियो। और वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो एचटीएमएल जो है वो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एचटीएमएल को लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। एचटीएमएल में वेरियस टाइप ऑफ टैग यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये टैग बताते हैं ब्राउजर को कि आपका जो वेब पेज का जो कंटेंट है, जैसे आपकी पिक्चर है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो कंटेंट किस तरह से शो होगा। ठीक है, तो टैग्स क्या बताते हैं कि आपके जो कंटेंट हैं वेब पेज के वो किस तरह से शो होंगे। जब भी आप कोई एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उस पेज को सेव करना होता है .html एक्सटेंशन से। HTML की एक्सटेंशन क्या होती है? .html। जैसे आपने कोई नाम दिया, आपने कोई वेब पेज क्रिएट किया तो उसका नाम दिया ABC, तो उसको सेव कैसे करना है, एक्सटेंशन कौन सी लगानी है? .html। ठीक है, तभी आपका जो पेज है वो रन हो पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस लिए यूज होता है? ये वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और HTML की जो एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन, वो होती है .html। और HTML को और क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, तो सबसे पहले HTML में लिखते हैं, जो भी टैग ओपन होगा HTML में तो उसको क्लोज भी करना है, तो क्लोज करते हैं बाय स्लैश सिंबल। ठीक है, स्लैश साइन से। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं HTML। ठीक है, और HTML को मैंने बोला कि जब भी आप ओपन करोगे तो उसको क्लोज भी करोगे, तो HTML क्लोज भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हेड, और फिर हेड को क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे आपने हेड को क्लोज भी कर लिया।
ठीक है, उसके अंदर आता है टाइटल, ठीक है, टाइटल को ओपन किया तो टाइटल को क्लोज भी करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, ठीक है, बॉडी जो है वो एचटीएमएल का मेन पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी आपके टैग्स यूज होंगे वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर अपीयर होंगे, ठीक है। तो याद रखना है एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, एचटीएमएल से, उसके आगे लिखते हैं हेड, हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल, उसके बाद बॉडी, और बॉडी को फिर यहाँ पे बॉडी के कंटेंट आते हैं, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर देते हैं और लास्ट में क्लोज करते हैं एचटीएमएल को, ठीक है। एचटीएमएल का मीन्स है कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और स्लैश एचटीएमएल का मीन है कि दिस इज द एंडिंग ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एचटीएमएल क्या बताता है, एचटीएमएल टैग क्या बताता है, दिस टैग इज यूज टू मेक ब्राउजर एंड अदर प्रोग्राम नो दैट दिस इज द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हेड टैग क्या बताता है, दिस इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर, ठीक है, डॉक्यूमेंट का हेडर। टाइटल टैग किस लिए यूज होता है, टाइटल टैग जो वेब पेज होता है उसका टाइटल शो करने के लिए टाइटल टैग का यूज किया जाता है। और बॉडी टैग में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्लेस्ड करनी है वेब पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है, ठीक है, तो वो सारे के सारे टैग किसके अंदर प्लेस्ड किए जाते हैं, विद इन द बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी ये बिगनिंग है, और स्लैश बॉडी ये एंड ऑफ द बॉडी होता है।